ठीक. सो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, कुछ देर के लिए कॉन्स्टेंट सॉरी एक्सेलरेट करती है, और कितने टाइम के लिए एक्सेलरेट करती है, फॉर 10 सेकेंड. और यहां पर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम, और थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है. तो सबसे पहली चीज इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो वी इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्सेलरेशन निकालनी है, और टाइम कितना है इसमें 10. तो फाइनल वेलोसिटी भी नहीं पता, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, तो ऑब्वियसली फिर अच्छा फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कितनी होगी, 8 मीटर पर सेकेंड. चलो ये 8 मीटर पर सेकेंड पुट कर लेते हैं, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 0.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो एक आंसर आ गया, एक्सेलरेशन यहां पर 0.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया. उसके बाद क्या हुआ, ये बॉडी आगे चल रही है, ये बॉडी आगे चल रही है और यहां पर आ जाती है. अगर ये बॉडी यहां से चल के यहां आती है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कितनी रखनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली किस पे आ जाती है, एट रेस्ट. ठीक, फाइनली किस पे आ जाएगी ये बॉडी, एट रेस्ट. अब इसके अंदर यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0. ठीक, और यहां से यहां क्या प्रोड्यूस होगी, रिटार्डेशन. आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 584. सो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू 584, तो यहां से लेके यहां तक 584 मीटर आ गया. ये रहा, तो एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला डिस्टेंस भी निकाल लें. ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बताना s कितना आ रहा है, u तो इसमें 0 है, हाफ इंटू 0.8 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 40 मीटर. तो ये डिस्टेंस 40 मीटर आ गया. टोटल डिस्टेंस कितना है, 584, उसमें से 40 चला गया, और ये यहां पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, डिस्टेंस मुझे पता नहीं. यहां पर मुझे ये पता है कि 8 है और ये 0 है, और यहां पर मैं रिटार्डेशन निकाल सकता हूं, वो कैसे, लेकिन पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस. और डिस्टेंस के लिए आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये डिस्टेंस 64. तो आप इस जर्नी में अप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a into s, 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज 2 into a into s की जगह 64. तो a की वैल्यू इसमें कितनी आ गई, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन आ गई, रिटार्डेशन आ गई. अब इसी जर्नी में आपको डिस्टेंस पता है, इस जर्नी का आपको डिस्टेंस पता है, 584 में से इसको और इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा, 584 में से 64 में से ये डिस्टेंस कितना है, 40, कितना आ गया, 480 मीटर, 480 मीटर आ गया. तो बीच की जर्नी में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है वहां हम इक्वेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू vt. तो डिस्टेंस कितना है, 480, वेलोसिटी 8 इंटू टाइम, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 60 सेकेंड. तो आपको इस जर्नी का टाइम पता है, इसका टाइम हमने निकाल लिया, और इसके टाइम के लिए अप्लाई कर लो v इज u प्लस at. तो यहां से टाइम आ जाएगा, इस टाइम को और इस टाइम को ऐड कर लो, टोटल टाइम कैन बी कैलकुलेटेड. तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे एक एक पार्ट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक यहां तक. सो जीरो, क्योंकि बॉडी किस पे आ गई, एट रेस्ट, रुक गई, ब्रेक्स लगाई, रिटार्डेशन हुई, रेस्ट पे आई, फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल एट लेने. ठीक, एक फॉर्मूला या एक फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, एक एस एनथ, ठीक, एस एनथ वाला क्वेश्चन बहुत तंग भी करता है कभी कभी, वो आखिरी सेकंड का चक्कर डाल लेता होता है. तो इसको एक बार देखते हैं, एक प्रूफ देखते हैं, और फिर उसके एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे करने हैं. सो पूरे काइनेमेटिक्स में से अगर स्कूल लेवल की बात करते हो, एक न्यूमेरिकल तो आएगा, थ्योरी भी आएगी, और अगर कंपटीशन की बात करते हो तो एक न्यूमेरिकल मैंने बताया था वो तो आएगा, और कंपटीशन 15 मिनट में नहीं हो सकता, ये तो एक बहुत रिग्रस प्रैक्टिस है. 150, 200, 300 के बाद आपको लगता है कि हाँ अब मुझे शायद पता लग रहा है कि इक्वेशंस कैसे लगाई जा रही हैं. ठीक, तो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बट इन एनी केस चलो एक रिवीजन बैच है तो रिवीजन में रिवीजन जितना ही रखेंगे. तो एक कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर.
फॉर एग्जाम्पल एसएनएथ साथ करते हैं, तो एसएनएथ के अंदर हमने ये सीखा था कि लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक बॉडी है, वो लेट अस सपोज यहाँ आती है और एन सेकेंड्स में आती है, एन सेकेंड्स का मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, एस ऑफ एन, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एस ऑफ एन, और ठीक एक सेकेंड पहले, गिरने से एक सेकेंड पहले उसका डिस्टेंस कितना है, एस ऑफ एन माइनस वन, और टाइम टेकन यहां से यहां कितना होगा, एन ऑफ एन माइनस वन, क्योंकि टोटल टाइम टेकन कितना है, एन, यहां से यहां टाइम टेकन कितना है, एन माइनस वन, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एस ऑफ एन माइनस वन, तो ये आखिरी एक सेकेंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, इसको क्या बोलते हैं, एस एनथ, एनथ का मतलब जैसे टोटल जर्नी 10 सेकेंड की है, तो ये दसवां सेकेंड है, टेंथ सेकेंड, ये टेंथ सेकेंड का डिस्टेंस है, ठीक, जैसे टोटल जर्नी 7 सेकेंड्स की है, तो ये सेवंथ सेकेंड का डिस्टेंस है, ठीक, यानी कि लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एस एनथ इज इक्वल टू एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, और ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी सपोज कितनी है, यू, और नीचे आने की एक्सेलरेशन सपोज कितनी है, ए, तो आप इसमें एक काम करोगे, एस एनथ इज इक्वल टू एस एन का मतलब यू कैन अप्लाई पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन, में कुछ नहीं करना, एवरीथिंग इज सेम, एन की जगह बस रिप्लेसमेंट क्या कर देनी है, एन माइनस वन, इसको ओपन कर लोगे पूरे को, पूरे को होल स्क्वायर, पूरी टर्म्स ओपन कर लिया, पूरी टर्म्स ओपन करने के बाद आपके पास एक फाइनल आंसर आएगा 2n माइनस 1, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और इन द एंड ये आंसर आएगा, तो आप अपनी कॉपी चेक कर सकते हैं जब आप पढ़ोगे इसे, तो माइनस करने के बाद ये आंसर कैन बी कैलकुलेटेड, एनी डाउट यहां तक, ठीक है, हो जाएगा प्रूफ, ठीक, तो इसके ऊपर लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है कि सपोज अ बॉडी डिस्क्राइब्स 400 सेंटीमीटर्स इन थर्ड सेकेंड एंड 1200 सेंटीमीटर्स इन फिफ्थ सेकेंड, 400 सेंटीमीटर थर्ड सेकेंड में, 1200 सेंटीमीटर फिफ्थ सेकेंड में, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, अगर ये ऐसे चलती रही तो नेक्स्ट 3 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो इसके अंदर यूज होगा ना ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं बार बार क्या लिख रहा हूं, थर्ड या फिर फिफ्थ, तो फिफ्थ सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट का मतलब 5वें सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस एनथ, और थर्ड सेकेंड का मतलब थर्ड सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट यानी कि थर्ड एस एनथ का फॉर्मूला अगेन, तो इक्वेशन बनाओ, आपने इमेजिन करना है कि सपोज ये बॉडी जो स्टार्ट हुई थी वो यहां से स्टार्ट हुई थी विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, और सपोज बॉडी ने थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 400, तो मान लो थर्ड सेकंड का डिस्टेंस समझते हो एस एनथ के अंदर हम क्या पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 3, तो एस एनथ का मतलब थर्ड सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट है, और जब मैं बोलता हूं ना थर्ड सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब तीसरे सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट बस, और तीसरा सेकेंड समझते हो 3 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट, माइनस करके जो आंसर आएगा वो एस एनथ देगा आपको, ठीक है यहां तक, तो फॉर्मूला लिखे इसमें, एस एनथ का फॉर्मूला होता है यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस 1, तो 400 इज इक्वल टू यू मुझे मालूम नहीं, ए मुझे मालूम नहीं, इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन,
और 1200 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू अगेन टू इंटू फाइव माइनस वन. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ए और यू दोनों अननोन्स हैं. इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके किसकी किसकी वैल्यू आएगी, एक यू की आएगी और एक ए की आएगी. तो इन्हें जब सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही है, माइनस 600, और ए कितना आ रहा है, 400. ठीक, यू और ए आ गया. आपको क्वेश्चन में निकालना है. देखो अब क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन, सपोज इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन है, 8 सेकेंड. फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड. अब वो कह रहे हैं 8वें सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो. मैं फिर से क्या लगाऊंगा, एस 8, यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू एट माइनस वन. ए और यू मेरे पास है, आंसर आ जाएगा. लेकिन जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वो 8th सेकेंड नहीं दिया, मैंने आपको नेक्स्ट 3 सेकेंड दिया. तो इस क्वेश्चन में आपको 3rd सेकेंड 3 सेकेंड की जर्नी का कुछ दिया, फिर आपको मैंने 5th सेकेंड का भी कुछ दिया, यानी कि टाइम पूरी जर्नी का यहां तक कितना हो चुका है, 5 सेकेंड. यानी कि पूरी जर्नी इन दो केसेस के हिसाब से 5 सेकेंड तक बॉडी यहां पर चल चुकी है, और मुझे डिस्टेंस निकालना है इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स. तो 3 सेकेंड में बॉडी यहां से यहां आ गई. तो मैं ऐसा करूं, मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लेता हूं, क्योंकि 3 सेकेंड का मतलब टोटल टाइम यहां पर कितना हो चुका है, 8 सेकेंड. तो ये 8 सेकेंड हो गया. तो क्या मैं ऐसा करूं, टोटल डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड की निकाल लूं, इसमें से टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड की माइनस कर दूं, तो मेरे पास नेक्स्ट 3 सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी. ये डिफरेंस समझ में आ रहा है. मैं 5th सेकेंड या मैं 3rd सेकेंड नहीं बोल रहा, मैं आपको 8 सेकेंड्स की टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूं. और 8 सेकेंड की टोटल, देखो ये जो क्वेश्चन है ये 8वां सेकेंड है, 8th. ये जो डिस्प्लेसमेंट है 8th है, और लेकिन मैं आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, 8 सेकेंड. तो टोटल 8 सेकेंड की डिस्प्लेसमेंट के लिए एस 8 में से एस 5 को माइनस करना पड़ेगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. यू इंटू 8 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 8 का स्क्वायर में से क्या माइनस करना है, यू इंटू 5 हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर. यू और ए की वैल्यू हमें पता है, इसमें पुट कर लो. जब पुट करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 6000 मीटर का. यू इंटू 8 क्यों किया, पूरी जर्नी का डिस्टेंस कैसे निकलता है, बाई कैलकुलेटिंग यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. तो यूटी में टाइम कितना चल रहा है, 8. तो यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर में से यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर 5 सेकेंड का माइनस करोगे तो अगले 3 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा. यहां तक क्लियर है, ठीक. डायरेक्शन का चक्कर होगा इसमें, वैसे रिटार्डेशन इसमें नहीं, एक्सलेशन हो रही है इसमें. हाँ ठीक है, तो माइनस से स्टार्ट हुआ होगा, फिर उसने डायरेक्शन उल्टी कर ली होगी. मतलब कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है. जैसे मान लो क्वेश्चन में ये बोल रहा हूँ कि बॉडी की वेलोसिटी 10 है इनिशियली, और फाइनल कितनी हो गई, फाइनल 15 हो गई, तो एक्सेलेरेट कर गई. अगर बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल माइनस 200 है और फिर वो एक्सेलेरेट कर गई, इसका मतलब वो अपनी पहले डायरेक्शन को क्या करेगी, थोड़ी देर में चेंज करेगी, यानी कि तभी एक्सलेट करेगी ना. अपने वेलोसिटी को क्या करेगी, माइनस 600 से माइनस 500 से करते 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 जीरो लेके आएगी, फिर पॉजिटिव होएगी. पॉजिटिव का मतलब अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, जो मैंने डायग्राम में दिखाई नहीं वैसे, ठीक. सो काइनेमेटिक्स के अंदर एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है. देखो एक तो सिंपल क्वेश्चन आता है वी यू प्लस 80 टाइप, या एस एनथ का आएगा, या फिर कोई एक्स का फंक्शन देगा आपको वो टाइम के साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में देगा x इज इक्वल टू 180 टी प्लस 50 इंटू टी का स्क्वायर, कहेगा फाइंड इनिशियल वेलोसिटी. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है इसमें, तो वेलोसिटी होती क्या है, dx by dt, d by dt ऑफ x, x का मतलब 180 टी प्लस 50 इंटू टी का स्क्वायर. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 180 प्लस 100 इंटू टी, और अगर वर्ड क्या आ रहा है, इनिशियल, इनिशियल का मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 180. तो इनिशियल वेलोसिटी में टाइम हमेशा क्या पुट करना है, 0. क्लियर है यहां तक. और ऐसे आपको क्या पूछ रहे, फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड.
तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 180 प्लस 100 इंटू टी, डिफ्रेंशिएट करने के बाद टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड. ठीक, नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाय डीटी, और वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 180 प्लस 100 टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करके आंसर क्या आ जाएगा, 100, एक्सेलरेशन आ गई 100. ठीक यहां तक. सो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हो. सो जैसे नेक्स्ट है, सेम केस है, आपको इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दे दी, जो चेंज कर दी रादर एक्स की वैल्यू, इसकी बजाय लेट अस सपोज गिवन है 8t-3t², ये एक्स गिवन है. एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इन टाइम इंटरवल 0 से 1, आपको इसमें क्या निकालना है, फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 में कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी. ठीक, तो कई लोग क्या करते हैं, इसको ना डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे. क्यों जी, वेलोसिटी पूछी है. अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो ना, तो वो वेलोसिटी आएगी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, टी की फॉर्म में आएगी ना, तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी. लेकिन मेरे को इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थोड़ी ना निकालनी है, मेरे को तो एवरेज निकालनी है. तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक काम करते हैं, टाइम एक्स को एक टाइम को एक बार वन पुट करें. जब वन पुट करेंगे एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 8-3, 5. एंड एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, 0. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 5-0, और कितनी देर में, 1 सेकेंड में. तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड. याद रखना, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा हमेशा क्या रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है यहां तक. अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, नहीं ये तो नेक्स्ट हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है. ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी और टाइम का एक्सेस गिवन है. वो कह रहा है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है विद अल्फा. एक्सेलरेशन कितनी है, अल्फा. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर बॉडी एक्सेलरेट करती है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ वीटी ग्राफ का क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन अल्फा. और फिर रिटार्ड करती है विद बीटा. रिटार्ड करती है, बीटा का मतलब रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ग्राफ क्या बनेगा, एक्सेलरेशन के टाइम ऊपर, रिटार्डेशन के टाइम नीचे. एनी डाउट. ठीक, सो सपोज ये आपको गिवन है, और टोटल टाइम जर्नी का कितना गिवन है, कैपिटल टी गिवन है. आपको ये बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, आपको इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. तो आपको टोटल डिस्टेंस भी बताना है बॉडी ने कितना ट्रेवल किया. अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा रिटार्डेशन है. Thank you.
देखो सबसे पहली चीज इसमें स्लोप, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या होती है? एक्सेलेरेशन। ये वैल्यू कितनी है? वी मैक्स। मान लो ये टाइम टी वन है, मान लो ये टाइम टी टू है, तो एक्सेलेरेशन अल्फा इज वी मैक्स डिवाइडेड बाय टी वन। जो एक्सेलेरेशन है वो आप स्लोप से क्या निकाल सकते हो? वी मैक्स डिवाइडेड बाय टी वन। सिमिलरली बीटा को क्या लिख सकते हो? वी मैक्स डिवाइडेड बाय टी टू। बीटा अगेन स्लोप है, रिटार्डेशन है, दैट इज इक्वल टू वी बाय टी। तो ये वैल्यू आ गई, यहां से टी टू की वैल्यू क्या जाएगी? वी मैक्स डिवाइडेड बाय बीटा। और मुझे पता है टोटल टाइम जर्नी का कितना है, कैपिटल टी, विच इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टी वन की जगह वैल्यू को पुट कर सकते हो कितना? टी वन की जगह वी मैक्स डिवाइडेड बाय एल्फा प्लस वी मैक्स डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहां से वी मैक्स 1 बाय एल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो वी मैक्स की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी टी डिवाइडेड बाय 1 बाय एल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो यहां से वी मैक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज, आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? क्या हो गया अर्जू, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, नहीं कोई डाउट है? क्योंकि स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वीटी ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन होती है। तो यहां से टी वन टी टू यहां पुट कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। अच्छा ये बता दो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एरिया, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है इसके अंडर वो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस। तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू वी मैक्स इंटू टोटल टाइम परपेंडिकुलर इंटू बेस। और वी मैक्स आप निकाल चुके हो, पुट कर लोगे, टोटल डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आपने सॉल्व करना है, ठीक? सो नेक्स्ट जो हमने करना है, बोलो। हाँ हाँ कर सकते हैं, वो तो आप ग्राफ से मत करो, आप मैथमेटिकल कर लो, एक ही बात है, लंबा होगा इससे छोटा है। क्या हो गया? देखो नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स। एक नंबर का आता है वैसे तो टाइम के हिसाब से 5 मिनट ही लगने चाहिए सिर्फ। रूल्स हैं इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। पहले तो ना पूरा चैप्टर आपको, देखो इतना टाइम नहीं है कि पूरा चैप्टर आपको नीड बताएं कि यार सिंपल है, एक नंबर का आएगा, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। वैसे फायदा बता देता हूं, नीड ये सिग्निफिकेंट का, क्योंकि आप जब कैलकुलेशंस करते हो तो वो कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो वो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएगा। जैसे मान लो आपने रीडिंग ली 2.1 और एक स्टूडेंट ने रीडिंग ली 2.22222। अब ये ज्यादा एक्यूरेट है इससे, ठीक है ना, ये ज्यादा एक्यूरेट है इससे। तो आपकी जो एक्यूरेसी है इसमें ये ज्यादा है, तो इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जिसके लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि मेरा आंसर यहां तक तो पक्का ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 नंबर इसमें आएंगे, यानी कि आपके कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब जिसको आप मानते हो कि पक्का ठीक है। कितने डिजिट्स आएंगे इसमें? 6। लेकिन इसमें कितने हैं? 2। अब सपोज करो कोई स्टूडेंट ये कहता है कि जो मेरा आंसर है वो 0.212 आ गया। अब कोई कहता है देखो मैं और एक्यूरेट निकालता हूं, 0.00212 आ गया। आपको यार ऐसे तो आप जितने मुझे जीरो लगाते रहो लेफ्ट साइड पे, तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी ना। तो सिग्निफिकेंस इसमें सिर्फ 3 नंबर की है। तो ऐसे काउंट करके बताना है कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होते हैं वो कितने हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो सीधा रूल्स पे आते हैं। रूल्स के अंदर पहला रूल है सिग्निफिकेंट का, ओके, फर्स्ट रूल है All non-zero digits are significant, पहला रूल, जिसमें तो जीरो नहीं आता, समझो वो तो पक्का
देखो सारी गड़बड़ जीरो ही करता है, लेफ्ट लगेगा राइट लगेगा, बस वही कैलकुलेशन में गड़बड़ करेगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, नेक्स्ट रूल है ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो आपका एक नंबर नॉन जीरो, बाकी नॉन, ये भी नॉन जीरो, तो ये इसका मतलब बाकी तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, काउंटिंग करके बतानी होती है आपको। सेकेंड रूल क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट ऑफ नॉन डिजिट नंबर, यानी कि आपका नंबर इसी फॉर्म में चलेगा ना, कि नॉन जीरो नंबर से लेफ्ट के जीरोस और डेसिमल पॉइंट के राइट के जीरोस, ये दो सारे जीरोस नॉन सिग्निफिकेंट है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट का कोई रूल नहीं है। तो सिंगल जीरो कन्वेंशनली प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन सच एन एक्सप्रेशन इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो इस तरफ जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, सो इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट कितने हैं? सिर्फ 3। नेक्स्ट है, इसमें दो क्लासिफिकेशन है आगे रूल्स की। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट। अगर आपके पास पॉइंट आया और आपने फिर भी जीरो जीरो लगा दिया, इसका मतलब आपने कोई डिवीजन किया और आप एक्यूरेसी बता रहे हो कि डिवीजन करने के बाद भी इसकी एक्यूरेसी 2 तक आ रही है, नहीं तो आपको लिखने की जरूरत क्या थी, नहीं तो आप सीधा क्या लिख देते, 3, 0, 30। इसका मतलब आपकी कोई कैलकुलेशन है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, जीरो का सिग्निफिकेंस दे रहे हो, तभी आपने 0.00 लिखा, तो इसमें आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होंगे, 4। तो अगर 0.0 लेफ्ट साइड पे जीरोज हैं कोई चक्कर नहीं, नॉन सिग्निफिकेंट, राइट पे जीरो चल रहा है तो सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जैसे इसके अंदर पॉइंट के लेफ्ट का सिग्निफिकेंट नहीं, पॉइंट के राइट के सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो 1, 2, 3 और 4। तो डेसिमल का तो रूल ही बड़ा क्लियर है, लेफ्ट पे लगा दोगे तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं, राइट पे लगा दोगे तो सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक, नेक्स्ट है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। वो कह रहा है कि अगर कोई आपने मेजरमेंट नहीं की, आपने मेजरमेंट नहीं की और आपका नंबर डेसिमल में नहीं आया, ध्यान आ गया। ठीक, तो अगर आपका नंबर 2020 आया और मान लो आप एक रोड को मेजर कर रहे हो, सड़क मेजर कर रहे हो, और आपकी मीटर की रीडिंग 2020 आ गई, फिर तो 4 सिग्निफिकेंट है। देखो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ना कि 2020 में 0 डाल दो तो आपकी लेंथ की रीडिंग तो सिर्फ 202 रह गई, बड़ा फर्क पड़ गया, इसका मतलब 0 का सिग्निफिकेंस है। लेकिन अगर मैं वैसे ही कह रहा हूं 2020 नंबर है, फिर वो नॉन सिग्निफिकेंट है। पता है क्यों? क्योंकि 2020 को लिख सकते हैं 202 × 10^1। कोई स्टूडेंट आएगा वो कहेगा सर ऐसे लिखेंगे 20.20 × 10^2। कोई आएगा वो कहेगा 2.02 × 10^3 एंड सो ऑन। तो आप इसको नंबर को कैसे भी 10 की पावर के अंदर लेना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए वो कहता है कि इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट मार्क करके आने हैं, लेकिन कंडीशन लिख के आनी है कि अगर ये किसी प्रॉपर मेजरमेंट से आए हैं फिर 4 सिग्निफिकेंट है, अगर ये वैसे ही पूछ रहा है कितने सिग्निफिकेंट है तो इसमें सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट है। क्या पॉइंट क्लियर है? बस और तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, बस ये सिग्निफिकेंट है। राउंडिंग ऑफ तो आपके सिलेबस में है नहीं, कैसे करते हैं तो इसको करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर में आएगा यार, इन रूल में से फॉलो कर लेना। जो भी आपके पास बुक गिवन है ना, कोई आपके पास बुक गिवन होगी, कोई भी आपके पास बुक होगी घर पे, उसमें ना एग्जाम्पल देख लेना, वो आपको एग्जाम्पल के साथ काउंटिंग करके दिखाएगा कितने सिग्निफिकेंट्स, और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली वो काउंटिंग करके दिखाएगा। नेक्स्ट है लेंथ टाइम मेजरमेंट। लेंथ टाइम मेजरमेंट के अंदर वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग भी दी थी, जो लोग स्कूल में जिनके एग्जाम में आया था तो मैंने पेन ड्राइव में दी थी, तो आप वो सुन सकते हो, मेरे से ले जाना। तो वो 50 मिनट्स की है, वो 50 मिनट में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। पर इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन है वो आता है पैरलेक्स के ऊपर ही ज़्यादातर आता है, और बाकी शॉर्ट फॉर्म आ जाती है सोनार रडार इस टाइप की। तो इसमें ये बताया गया है कि आपके जो डिस्टेंसेस हैं, जो नॉर्मल डिस्टेंस है, उनको मेजर करने का तो सीधा तरीका है, सीधा मेजर कर लो कोई मीटर रॉड है या किसी तरीके से। लेकिन जो बहुत ही छोटे डिस्टेंस है या बहुत बड़े डिस्टेंस है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगे पहाड़ है
पहाड़ के आगे खाई है, डायरेक्ट कैसे मेजर कर लोगे उससे? मून का डिस्टेंस निकालना है, कौन जाके मून के डिस्टेंस को डायरेक्ट मेजर कर लेगा? ऐसा कोई स्केल ही नहीं है जो मून के डिस्टेंस को। अब रॉकेट उठा के जाओगे कि मैं देखूंगा रॉकेट कितना उड़ता है, इतने किलोमीटर ऊपर इतने नीचे, कितना महंगा तरीका है यार, अब जाना ही पड़ गया फिर तो फायदा ही नहीं हुआ ना। अब सपोज मुझे सन का डिस्टेंस निकालना है, वहां तो यार जा भी नहीं सकते, तो मतलब आपको इनडायरेक्ट मेथड्स लगाने पड़ेंगे इसके लिए। तो ये, या फिर मॉलिक्यूल का रेडियस निकालो, और मॉलिक्यूल दिखेगा, कौन सा ऐसा मीटर है जो मॉलिक्यूल का रेडियस निकाल के बताएगा, बताओ? तो इसलिए आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करने पड़ेंगे डिस्टेंसेस को निकालने के लिए, और ये चैप्टर उसी में डील करता है, बहुत बड़े डिस्टेंस या बहुत छोटे डिस्टेंस। इको रिफ्लेक्शन मेथड कह रहे हैं कि इको रिफ्लेक्शन के अंदर सिंपल प्रोसेस है कि आप सपोज साउंड की हेल्प से आप इसको कर सकते हो, या लाइट की हेल्प से आप कोई भी रेडिएशन को फेंको, साउंड या लाइट, वो टकराएगी ऑब्जेक्ट को, टकरा के वापस आएगी। जब वो जाती है और जब वो आती है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लेती है? 2x, और स्पीड मान लो सी है इंटू टी, तो यहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड सी इंटू टी बाई टू। स्पीड तो आपको साउंड या लाइट की पता होगी, टाइम आप कैलकुलेट कर लेना रिफ्लेक्शन का, डिवाइड बाई टू कर देना, तो आपके पास क्या जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। इस मेथड को इको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, क्योंकि टकराने के बाद कोई चीज रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, तो ये मेथड वहां फॉलो होगा। ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है, ये सारे इको रिफ्लेक्शन है, कुछ नहीं करना, सोनार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो नीचे जो कोई भी सबमरीन चल रही है तो वो ऑब्वियसली दिख नहीं रहा, या अगर दिख भी रहा है तो बहुत दूर तक नहीं दिख रहा, टक्कर हो जाएगी। तो क्या करती है? कॉन्टिन्यूसली रेस फेंकती रहती है कई किलोमीटर तक, और अगर वो रे नहीं वापस आई, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर वो टकरा के वापस आ गई, इसका मतलब है कि 2x इज इक्वल टू सी इन टू टी। आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा सबमरीन के आगे कि वो डिस्टेंस ऑब्स्टेकल कितनी दूर है। तो सेम इको रिफ्लेक्शन मेथड फॉलो करता है। रडार की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसके अंदर रडार जो प्लेन्स उड़ते हैं उनका भी ये कॉन्सेप्ट है, वेव ऊपर जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो ऐसे केस में जाना और आना, तो अगेन इको रिफ्लेक्शन मेथड, जिससे कि आप प्लेन का डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करके निकाल सकते हो। असली चीज है पैरलेक्स। पैरलेक्स मेथड बेसिकली क्या करता है? पैरलेक्स का मतलब ये होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये लेफ्ट आई और ये राइट आई है, लेफ्ट आई ऑब्जेक्ट, राइट आई, एक एंगल बनाती है थीटा, लेफ्ट ऑब्जेक्ट एंगल थीटा बन गया ऑब्जेक्ट पे, इसको पैरलेक्स एंगल बोलते हैं, दो आंखें डिफरेंट देख रही हैं, पैरलेक्स मेथड है। पैरलेक्स मेथड की हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर ये डिस्टेंस एस है और ये बी है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो बी बाय एस ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देगा। इसको लगा के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आता होता है, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये रहा, और अब मैं लेफ्ट और राइट आई से देखूंगा तो मेरे को तो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस में नजर आएगा, मतलब एंगल तो निकाल नहीं पाऊंगा, एंगल इज वेरी 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 स्मॉल। तो मैं अर्थ की दो लोकेशन पे खड़ा हो जाता हूं, एक लोकेशन वन, एक लोकेशन टू, दो बंदे खड़े हो जाते हैं, एक वहां खड़ा हो जाएगा, यहां पे खड़ा हो जाएगा, तो दे आर एक्टिंग लाइक आईज, आंखों की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, और काफी किलोमीटर दूर, मतलब आप लगा के चलो कंट्रीज के हिसाब से खड़े होंगे, एक इस कंट्री में दूसरा दूसरे कंट्री में, ताकि कम से कम उनको थोड़ा सा डिफरेंस तो नजर आए ना। अगर आप भी यहीं खड़े हो, मैं भी यहीं खड़ा हूँ सिटी के अंदर, तो आपको तो वही मून नजर आएगा जो मुझे नजर आ रहा है, तो एंगल कैसे निकलेगा? तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है, अब बेसिकली आपने क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और ये एंगल किसी तरीके से निकाल लिया जाता है फाई वन, कि जो उस बंदे को ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वर्टिकल लाइन से कितनी दूरी पे नजर आ रहा है, कितने एंगल पे नजर आ रहा है, फाई वन। और उसी तरीके से सेकेंड जो आई है या सेकेंड जो पर्सन है वो अपना एंगल निकाल लेगा, सपोज कितना, फाइव टू, ठीक। और इनके बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली सबको पता ही है, बी है, क्योंकि अर्थ का लोकेशन तो हम निकाल ही सकते हैं बी। तो ऑब्वियसली यहां से एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करके ये फाइव वन हो जाएगा और ये फाइव टू हो जाएगा, और टोटल एंगल कितना हो जाएगा, फाइव वन प्लस फाइव टू। इसको पैरलेक्स एंगल बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट आई है और ये राइट आई है। अब मुझे पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो टोटल एंगल कितना है, फाइव वन प्लस फाइव टू। आर्क हमें पता है, रेडियस की वैल्यू, रेडियस का मतलब मान लो ये डिस्टेंस कितना है, एस एस, तो एस इज इक्वल टू बी
डिवाइडेड बाई 5(1) प्लस 5(2)। तो यहाँ से एस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, वो एक्यूरेट नहीं है लेकिन अंदाजे से एस कैन बी कैलकुलेटेड कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है उसका अर्थ से अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कितना है। तो अगर वो एंगल पता लग जाता है 5(1) प्लस 5(2) जो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये दो आईज हैं, तो ये पैरेलेक्स वाली टेक्निक हो गई। तो यहाँ से बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स की एंगल्स को मेजर करके डिस्टेंसेज को अप्रोक्सीमेटली कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है पैरेलेक्स मेथड कैसे होगा। तो क्वेश्चन आता होता है व्हाट इज पैरेलेक्स मेथड, और पैरेलेक्स मेथड से कैसे आप एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालते हो किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, तो डायग्राम के साथ समझाना है। ठीक, थ्योरी बुकलेट के अंदर है, लिखने की जरूरत नहीं है, जो ये लोग बुकलेट दी थी ना उसके अंदर थ्योरी है इसकी, ये वहीं से कॉपी की हुई है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेथड है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, केमिस्ट्री को यूज करके। ये क्या करता है, इसके अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, एवोगैड्रोस का हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्या द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 2/3 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि कोई भी जो एटम है वो गोल है, और जब वो पैक्ड होगा किसी सॉलिड के अंदर तो उसमें वॉइड्स रह जाते हैं, खाली स्पेसेस, वो खाली स्पेसेस तो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना, तो एक्चुअल वॉल्यूम तो स्फेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक्चुअल स्फेयर का वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है, 2/3 कम होता है। ठीक, तो इससे हम एटम का रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे, तो इसके लिए हमने क्या किया, सब्सटेंस लिया एम जिसका वॉल्यूम कितना है वी, मॉलिकुलर वेट कितना है एम, एवोगैड्रोस नंबर कितना है एन। तो इसके अंदर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले, पहले नंबर ऑफ एटम केमिस्ट्री का फॉर्मूला लगा के एवोगैड्रो नंबर बाय मॉलिक्यूलर जो भी मास है इनटू जितना मास आपने उसका सब्सटेंस का लिया एम, ये नंबर ऑफ एटम आ गए। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये पूरा एक्चुअल वॉल्यूम आ गया एटम्स का, एटम का एक्चुअल वॉल्यूम इसके इक्वल आ गया। लेकिन हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ये जो वॉल्यूम है वो एक्चुअल है, और वो जो हम मेजर करते हैं वॉल्यूम, हम कैसे मेजर करते हैं, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी से हम जो मेजर करते हैं वॉल्यूम उससे कम होगा, और कितना कम होगा, बाय 2/3। तो हमारा जो एक्चुअल वॉल्यूम आया वो 2/3 टाइम्स जो मेजर्ड वॉल्यूम होता है किसी भी सब्सटेंस का 2/3 टाइम्स होगा। कोई डाउट इसमें, तो हम कैसे मेजर करते हैं वी, हम मेजर करते हैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी से, या डेंसिटी इज मास यहां से, तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो एक्चुअल वॉल्यूम इज 2/3 टाइम्स मेजर्ड वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर कैन बी कैलकुलेटेड, एटम का रेडियस आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो पहले हमने एक्चुअल वॉल्यूम निकाल लिया केमिस्ट्री से, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, और मस्ट बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स वॉल्यूम जो एक सब्सटेंस ऑक्यूपाई कर रहा है मास बाय डेंसिटी से। ठीक है यहां तक, तो रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, नेक्स्ट है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड। किसी के स्कूल में आया था ऐसा कुछ, आया था आपके? ठीक, साइज ऑफ मॉलिक्यूल मैं कह नहीं सकता, वैसे कितने स्कूल में आ रहा है ये चैप्टर, बस आप ही क्या आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा, आ रहे, चलो खत्म ही हो गया यार, अब आने में क्या रह गया। देखो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं वाटर का, हमें किसी एसिड का मॉलिक्यूल का साइज निकालना है, वो एसिड ओलिक एसिड है इसमें, खास बात ये ओलिक एसिड का कि वो वाटर में मिक्स नहीं होगा और वाटर की सरफेस के ऊपर ही तैरेगा। तो हमने क्या किया, हमने ओलिक एसिड लिया और ओलिक एसिड को सपोज, लेट अस सपोज इसमें कंसेंट्रेशन ली 1/500 ऑफ ओलिक एसिड, यानी कि एक ड्रॉप ओलिक एसिड का 500 ड्रॉप्स किसके, एल्कोहल के। तो कंसेंट्रेशन ऐसे निकालते हैं 1/500, तो इतना फ्रैक्शन ओलिक एसिड का है, और मान लो मैंने एन ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड को पानी के ऊपर गिर दिया, एन ड्रॉप्स, तो होगा क्या, एल्कोहल तो वेपोरेट हो गई और ओलिक एसिड फैल गया। एल्कोहल में मिक्स करने का सिर्फ इतना ऐसा मकसद है कि वो फैलता है, हल्का होता है।
तो ओलिक एसिड पूरी तरह फैल गया। तो अब सिर्फ सरफेस के ऊपर क्या रह गया, ओलिक एसिड हो गया। और ओलिक एसिड मान लो इतनी लेयर बना लिया ओलिक एसिड ने सच दैट कि ओलिक एसिड का जो एरिया एरिया की वैल्यू है जो उसने ऑक्यूपाई की वो कितनी की, ए। इसको मैं बताता हूं कैसे। इसमें क्या किया कि एरिया उसने ए ऑक्यूपाई कर लिया और थिकनेस ओलिक एसिड की सपोज कितनी आ गई, टी। तो इसको हम, ये विजिबल होती है, तो हम क्या कर सकते हैं ओलिक एसिड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एरिया इनटू थिकनेस, ए इनटू टी से हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमने ओलिक एसिड घेरा कितना, हमने कितने ड्रॉप्स घेरे ओलिक एसिड के, एन, एन ड्रॉप, और एक ड्रॉप के अंदर वॉल्यूम कितना ओलिक एसिड का, वी, और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1/500। तो यानी कि वी बाय 500 इज द वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड। मैंने अगर एक ड्रॉप में वी वॉल्यूम घेरा, वी वॉल्यूम में तो एल्कोहल भी था और ओलिक एसिड भी था, तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1/500। तो वी वॉल्यूम में कितना ओलिक एसिड है, वी इंटू 1/500, और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं, एन। तो ये सारे के सारे पानी के ऊपर आ गए ओलिक एसिड, और इसका वॉल्यूम हमने केमिस्ट्री से भी निकाल लिया और एक्चुअल वॉल्यूम मेजरमेंट से निकाल लिया। तो मेजरमेंट से ये वॉल्यूम कितना, थिकनेस कितनी आ गई, इतनी थिकनेस आ गई। तो ये माना जाता है ओलिक एसिड की एक लेयर ही इस तरीके से बन पाती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर आ गया ओलिक एसिड का, क्योंकि फैल गया पूरी तरीके से तो बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं बनाया उसने। तो इसमें ओलिक एसिड की अगर मैं इस मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करूँ तो थिकनेस अगर मैं निकाल लूँ तो ये ओलिक एसिड की क्या हो जाएगी, का डायमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से डायमीटर एंड रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड। तो जस्ट एक तरीका है कि कैसे आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, और केमिस्ट्री और उसको मेजरमेंट को यूज करके आप इनडायरेक्टली ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। क्वेश्चन आता होता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास का मतलब अगर एक मास पड़ा हुआ है, ये रहा, फोर्स एफ लगा रहे हो, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, ए एक्सेलरेशन है, तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां से मास जो आएगा वो इनर्शियल मास है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया। ग्रेविटेशनल मास के लिए फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू जी, उसका मेजरमेंट का जो तरीका होगा वो एफ डिवाइडेड बाई क्या होगा, जी होगा, ए नहीं होगा। तो बस ये डिफरेंस है इनमें। हाँ, वो मास की वैल्यू आती सेम है, चाहे किसी मेथड से फॉलो कर लो, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है यहाँ तक। सो नेक्स्ट इसके अंदर लादर लास्ट है इसमें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे सपोज सपोज करो द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे। एक न्यूमेरिकल बता देता हूं कि जो कुछ स्टार है वो इतने लाइट ईयर अवे है। हाउ मच इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक्स। कई बार स्कूल में ये भी आएगा, स्कूल में पार्सेक्स में निकालो। एंड हाउ मच पैरलेक्स वुड दिस स्टार, इस स्टार का नाम रखा गया है अल्फा सेंचुरी, शो when viewed from two locations of the earth 6 months apart in its orbit around the sun. तो पहले तो इसका मतलब है कि ये जो स्टार को हम देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं, अगर ये सन है 6 महीने बाद अर्थ आपको कहाँ दिखाई देगी, यहाँ पे। स्टार कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अर्थ से गिरा, और ये जो स्टार के ऊपर एंगल बनेगा वो क्या होगा, पैरलेक्स एंगल। ठीक, डायग्राम समझ में आ रहा है, अर्थ की दो लोकेशन 6 महीने पार्ट से स्टार को देखा जा रहा है, तो डायग्राम ऐसा दिखेगा। ठीक, तो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है, सबसे पहले मुझे वो चाहिए होगा। तो सन और अर्थ की बजाय रादर मुझे एस भी आपको गिवन ही है, एस, ये वाला एस, एस आपको गिवन है। कैसे, स्टार का डिस्टेंस आपको कितने लाइट ईयर गिवन है, 4.29। ये आपको याद करना पड़ेगा कि लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इनटू 10 इज टू पावर 15 मीटर। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके मीटर में निकाल लो, निकल गया। वो कह रहे हैं इसको पार्सेक्स में निकाल लो। अभी आपको सेकंड कन्वर्जन याद करनी पड़ेगी कि एक पार्सेक कितने मीटर का होता है, 3.08 इनटू 10 इज टू पावर 16। तो अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मेरा मीटर का डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्सेक्स में। तो ये याद करना पड़ेगा कन्वर्जन। क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक, नंबर टू। अब वो कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है कि सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो अगर ये डिस्टेंस 1 AU है, ये भी 1 AU है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.49 × 10^11 मीटर का होता है, तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको डायमीटर पता लग गया, तो आपको ये डिस्टेंस पता लग गया। मान लो ये डिस्टेंस कितने, बी, आपको एस पता लग गया, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, डिवाइड करके क्या जाएगा, पैरलेक्स का एंगल आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? पैरलेक्स एंगल कैसे निकलेगा, क्योंकि पैरलेक्स एंगल में आपको ये भी चाहिए, पैरलेक्स एंगल में आपको ये भी चाहिए, ये गिवन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से निकाल लिया, डिवाइड कर लिया आंसर। पर इसमें आपको तीन तीन चीजें याद करनी पड़ी, एक तो पार्सेक की कन्वर्जन, एक लाइट ईयर की कन्वर्जन, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस, ठीक, इसलिए क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया, और चौथा पैरलेक्स, यानी कि ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, किसी भी क्वेश्चन ये डाल दो सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी इस चैप्टर की, ठीक। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद, क्योंकि इसमें यही आता है और कुछ नहीं आता है इसमें, तो कई बार 3 नंबर का, कई बार 1 नंबर का, कई बार डिपेंडिंग कि कोई टीचर कितना किसको वेटेज देता है। पैरलेक्स रेडियंस, रेडियंस एंगल हमेशा रेडियंस में है, बुकलेट देख लेना, पता नहीं यार, है पता नहीं यार, वो तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ओके, मोशन इन 1D हमने किया था। नेक्स्ट जो रूल है वो वेक्टर का रूल है, वेक्टर्स के अंदर सीधा सीधा तीन चार चीज़ें हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो सबको अब इतना तो आता ही है कि अगर ये एफ वेक्टर है और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ, ठीक, रेजोल्यूशन तो जब खत्म, वो तो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन वेक्टर, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का प्रूफ आपको आना चाहिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, क्या इसकी ज़रूरत है तो बता दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेट एंड प्रूफ हर कोई कर लेगा, जो एक दो स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मेरे से जाते हुए करवा लें फिर, तो एक तो ये आपको करना है इसमें। नेक्स्ट आपको एडिशन ऑफ वेक्टर तो यहाँ से हो गया, सब्ट्रैक्शन तो ऐसा जाता नहीं है, वो तो न्यूमेरिकल ही आएंगे इसके। तीसरा आएगा इसमें मल्टीप्लीकेशन, क्या आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आता है, तो फॉर्मूला सबको पता ही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए बी कॉस थीटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लेकिन पीछे क्या आता है, यूनिट वेक्टर, तो ये सबको पता है, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 × 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और आई कैप का आई कैप के साथ एंगल क्या बनता है, 0, तो आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली जे जे डॉट जे क्या आएगा, 1, के डॉट के भी क्या आएगा, 1, लेकिन अगर मैं आई डॉट के करूंगा तो 0, आई डॉट जे करूंगा तो भी 0, और अगर मैं के डॉट आई करूंगा तो भी 0, डिफरेंट होंगे तो 0, अगर सेम होंगे तो 1। उसी तरीके से एक तरीका बताया था, आई जे एंड के, आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई, और के क्रॉस आई क्या होगा, जे, ठीक, जे, और अगर मैं उल्टा करूंगा तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक हो गया। तो क्वेश्चंस के अंदर जैसे आपको दो वेक्टर गिवन होंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, प्रूव करो वो परपेंडिकुलर हैं, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0, तो वो परपेंडिकुलर हैं, अगर नहीं आता तो वो नहीं है। मल्टीप्लीकेशन सबको आती है, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, और डॉट प्रोडक्ट भी आता है, तो इसके फिर न्यूमेरिकल्स देख लें एक दो, तो सपोज क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप।
थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप का कॉम्पोनेंट बताना है किसके ऊपर, आई कैप प्लस जे कैप पे। तो इसको हम कैसे करते हैं, सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, और दूसरा वेक्टर कौन सा है बी वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी है आई कैप प्लस जे कैप। मेरे को इसका एक कंपोनेंट इसके ऊपर निकालना है, और कंपोनेंट निकालने का तरीका, तो कंपोनेंट निकालने का तरीका, इसको चार्जिंग पे लगाना मेरे फोन को यार, चार्जिंग खत्म हो गई इसकी। सो कंपोनेंट निकालने का तरीका, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, सपोज ये एंगल कितना है थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा ए कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या आएगी ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, ए कॉस थीटा आएगा और डायरेक्शन किसके अलोंग होएगी अलोंग बी वेक्टर, ठीक। और हम फिजिक्स में क्या करते हैं, अलोंग बी वेक्टर की जगह क्या लिखते हैं बी कैप, यूनिट वेक्टर लिखते हैं बी कैप। तो जैसे अलोंग एक्स एक्सिस को आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस को जे कैप, अलोंग के एक्सिस को या जेड एक्सिस को के कैप, तो अलोंग बी वेक्टर को बी कैप। तो ए कॉस थीटा की वैल्यू निकल कैसे निकलेगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी, तो ए इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर, ए वेक्टर का मतलब कितना है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप डॉट बी वेक्टर का मतलब कितना है आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय बी का मतलब क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा की वैल्यू हमने वैल्यूज को पुट कर लिया और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, तो डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इतना कितना आ गया सेवन बाय रूट टू। क्लियर यहां तक, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई सेवन बाय रूट टू सॉल्व करने पर, तो यहां हमने कितना पुट कर दिया सेवन बाय रूट टू, लेकिन पीछे क्या पुट करना पड़ेगा बी वेक्टर, और बी कैप क्या होता है अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो सेवन बाय रूट टू बी वेक्टर है कितना आई कैप प्लस जे कैप, और बी का मतलब क्या है अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा सेवन बाय टू आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपने आंसर सॉल्व करके आना है, ठीक है यहां तक। क्लियर है, ठीक है ना। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर की और वेक्टर के बेसिक न्यूमेरिकल्स क्लियर हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं प्रोजेक्टाइल पे चल सकता हूं, क्योंकि अगर आप बोलो ये वाला यूनिट वेक्टर होता है और वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, और वेक्टर हमें पता है बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड हमें पता है, ठीक है यहां तक। सो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्रॉस डॉट इसका कोई वो नहीं ना, ये तो अलजेब्रा है पूरा, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है रेन एंड मैन, मुझे क्वेश्चन आता होता है रेन एंड मैन वाला, तो रेन एंड मैन के टाइप के क्वेश्चन में सपोज क्वेश्चन में ऐसे आएगा, दो टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली इसमें, एक कंफ्यूजन यहां पर होती है रेन सच में नीचे गिर रही है, दूसरा किसी चलते हुए बंदे को लगा कि उसको अपीयर हुआ कि रेन नीचे गिर रही है। तो अगर मैं चल रहा हूं और सच में रेन नीचे गिर रही है, तो मुझे इतना पता है कि मैं कभी डायरेक्शन बता नहीं पाऊंगा रेन की, क्योंकि मेरे को ऐसा लगेगा कि रेन सामने से आ रही है, बंदा चलता है तो रेन सामने से आती है। तो राधर तीन टाइम के न्यूमेरिकल है, क्या एक पर्सन खड़ा है और रेन नीचे गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड,
तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। हवा चल रही है टुवर्ड्स ईस्ट, विंड जिसकी वैल्यू मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, उस बंदे को क्या लगा कि रेन कितनी स्पीड से आ रही है? अब वो ऑब्वियसली चार तो लगेगा नहीं, विंड के साथ लगेगा, तो वो क्या करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बता देगा आंसर। एक टाइप का क्वेश्चन खत्म। खड़ा है बंदा, चल नहीं रहा, रेन भी सीधी पड़ रही है, तो वो अम्ब्रेला, उसको उसको लगेगा कि रेन सामने से आ रही है, हवा की वजह से टेढ़ी लग रही है, तो वो अपना अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। कितने एंगल पर? थीटा। तो ये थीटा, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये कितना है? ये 3 है, ये भी 3, 3 डिवाइडेड बाय टैन इनवर्स 3/4। तो पहले टाइप का न्यूमेरिकल क्लियर है इसमें। ये 3 है तो ये भी 3 है पैलोग्राम में, ये 4 है तो ये 4 है, गिवन है टैन थीटा 3/4। बोलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, सपोज पर्सन चल रहे, बंदा चल रहे, और चलते हुए बंदे को लगा कि रेन नीचे गिर रही है, यानी कि वो एक्चुअल वेलोसिटी रेन की नहीं है, वो रेन की वेलोसिटी जरूर है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, वी आर विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, और मान लो मैन इस तरफ चल रहा है, ये लो, तो इसका मतलब है v ऑफ r m को ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, v r वेक्टर माइनस v m वेक्टर, या फिर v r वेक्टर प्लस माइनस v m वेक्टर। तो v r वेक्टर की वैल्यू को कैसे होना पड़ेगा, रेन की वैल्यू में माइनस vm। अब माइनस vm के लिए vm का उल्टा क्या होगा? माइनस vm, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, v r m क्या होता है, v r प्लस माइनस vm। मेरे को vm vm गिवन है माइनस वीएम, तो इसका मतलब वी आर को कहीं यहां होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वी आर अगर इधर होगा तो ऑब्वियसली ये इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ वी आर एंड माइनस वीएम, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, वी आर वेक्टर प्लस माइनस वीएम वेक्टर, ऐसे। ठीक, तो बेसिकली जब एक मैन चल रहा है और उसको लगा कि रेन नीचे गिर रही है, तो 100% रेन नीचे नहीं गिरी, रेन लग रहा है उसे, रेन ऑब्वियसली कहीं ऐसे गिर रही है। मैन ऐसे चल रहा होगा नो डाउट, तो उसको उल्टा लेके रिजल्टेंट उसको लग रहा है, अपनी वेलोसिटी और रेन की वेलोसिटी का रिजल्टेंट उसको लग रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, मैन ऐसे चल रहा है, उसको लगा रेन ऐसे आ रही है, तो ये रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, लगा अपीयर्स, ये आ गया। इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ये आएगा, वी आर कहीं यहां कहीं होता होगा, और माइनस वी एम ऑब्वियसली इसके उल्टा होगा, ताकि पैलोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट यही बने, क्योंकि मेरे को पता है इस क्वेश्चन में रिजल्टेंट मुझे गिवन है, तो रिजल्टेंट पता है, माइनस वी एम पता है, तो वी आर को यही होना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू 5 गिवन होगी, ये 3 या ये 4 गिवन होगी, ये 3 गिवन होगा, तो रेन की वेलोसिटी पूछेगा जो कि 5 आ जाएगी। वैल्यूज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, वो तो ट्राइंगल में पाइथागोरस ही लगनी है तो पता ही है, बट डायग्राम क्लियर है इसमें? ठीक, नेक्स्ट जो इसके ऊपर आता है वो है प्रोजेक्टाइल, क्योंकि या तो कुछ, अब सारे तो नहीं आएंगे ना, रेन भी आ जाएगा, क्रॉस डॉट भी आ जाएगा, पैलोग्राम लॉ आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल भी आ जाएगा, फिर पूरा बाकी फिजिक्स क्या कर रही है जो आजकल हम कर रहे हैं, वो कब आएगी? और मैं तो कह रहा हूँ उल्टा, उल्टी फिजिक्स ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपके स्कूल वाले आपको बहुत टेस्ट कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में, और करने की जरूरत नहीं, अब आपको वो वेव्स और SHM में टेस्ट करेंगे, तो नई चीज़ डालने को मिल गई ना उनको, तो वेव्स, SHM, थर्मो, ग्रेविटेशनल और प्रॉपर्टीज में तो मतलब पूरे पूरे 5-5, 3-3, 4-4 नंबर के सारे इसी में से आने हैं सारे। तो कोई प्लीज़ गलती से गलत फहमी मत पाल ले कि मेरे को फिजिक्स आती है और मैं यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर रहा हूँ, उसका स्कोर कभी नहीं आएगा। उल्टी तैयारी शुरू कर देना, जिसको वेव्स आता है, SHM आता है, प्रॉपर्टीज आता है, थर्मो आता है, रोटेशनल और ग्रेविटेशन आता है, वो पार है, पार मीन्स अच्छे खासे नंबर लेके आएगा वो। यहाँ से मर्जी बना ले यार, आगे से बना ले, तो मर्जी होती है, एंगल जो मर्जी बनाओ। ओके, और लास्ट है इसमें, लास्ट है प्रोजेक्टाइल्स। बोल तो, कितने बजे, कहाँ पे? अच्छा, रिवीजन है,
आज कल नहीं थी रिवीजन, रिवीजन नहीं थी आज भी, दो दोनों दिन डेली है ओके okay. और कौन कौन किसने जाना है अभी? अच्छा सारे वहीं जा रहे हो, चलो अभी प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट स्लॉट में कर लेते हैं, कोई बात नहीं. नेक्स्ट क्लास कब रखनी है?